नमस्कार एवरीवन आ, सारे मुख्य अतिथि देवेंद्र सर और सारे बीजेपी के सीनियर लीडर्स और आप सभी का स्वागत है आ, मुझे साहब के बारे में बोलने के लिए बोला गया पर मुझे नहीं लगता कि आ, उनके बारे में मैं इतना कुछ जानता हूँ जितना उन्होंने काम किया है बट मुझे ये पता है कि जितना भी उन्होंने काम किया है इस देश के लिए नागपुर के लिए स्टेट के लिए वो हर किसी को पता है तो मुझे लगता है कि उन के बारे में कुछ भी बोलना जैसे एक सूरज को होता है दिया दिखाने वाली बात होती है सो so, काफ़ी बड़े लीडर हैं उन्होंने जो बातें कही थी उन्होंने वो कर दिखाया और आज उन्हें लोग कहते हैं कि रोड मैन के नाम से जाना जाता है जो उन्होंने इतने सालों में जो काम चल रहा था पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया इतने बड़े बड़े हाईवेज प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और वो भी गवर्नमेंट के जो भी उन्होंने किया कि गवर्नमेंट ये काम करेगी और उन्होंने ये करके दिखाया है क्योंकि हमें लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग दुनिया घूमते हैं हमें पता है कि रोड्स की कितनी बड़ी अहमियत है जिस देश को सिटी टू सिटी एक दूसरे को जोड़ने के लिए और जो हमारे यातायात हैं उसे अच्छा और बेटर करने के लिए कि जो हमारी चीज़ें हैं ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आराम से रास्ते के ज़रिए आ सके और लोग आराम से हंसी खुशी पूरे फैमिली के साथ इस रोड पे इस हाईवे पे आराम से सफ़र कर सके तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये बदलाव आया है सभी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं तो जिस हिसाब से डबल डेकर जो यहाँ पे नागपुर में जब फ्लाई आया तो बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ की है क्योंकि एम एस धोनी ने भी बोला था कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है और वो सब गडकरी साहब ने करके दिखाया है सो so, हम काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं सर के कि उन्होंने ये सब आइडियाज़ और ये नए नए इन्वेंशन ले आए और इतना आ, इंडिया को इतना बेहतरीन बह, तरीके से ये सब चीज़ें की हैं कि लोग आज इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं सर के बारे में कि हाँ उन्होंने आके पूरा हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया है एज अ रोड मैप के और, और नागपुर का भी जैसे कि दे देवेंद्र सर ने और सर ने काफ़ी कुछ बदला है यहाँ पे पूरा नागपुर का नक्शा चेंज हो गया क्योंकि जो नागपुर पंद्रह साल पहले था और अब है सब देखते हैं यहाँ पे जो जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर से ले हर चीज़ें बेटर होते जा रही हैं तो हमारी शुभकामनाएं सर के साथ हैं और इस मूवीज़ के साथ की मूवी बहुत अच्छा करे सारे लोग फैमिली के साथ ये मूवी देखें और इस मूवी को कोशिश करें कि जितना हिट और बड़ा बनाए उतना हमारे लिए अच्छा होगा थैंक यू थैंक यू सो मच एबीपी मासा उड़ा डोले बघा नीट